हाय एवरीवन, वेलकम टू राधास किचन। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 10 मिनट में बनने वाली पत्ता गोभी का एक यूनिक नाश्ता। इसको बनाना बहुत आसान है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि नया वीडियो जो मैं अपलोड करूँ आपके पास तुरंत पहुँच जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। फ्रेंड्स, यहाँ पर 300 ग्राम करीब पत्ता गोभी को मैंने अच्छे से धो के लंबा लंबा करके पतला करके काट लिया हूँ। अभी इसको हम एक बोल में डाल देते हैं। पत्ता गोभी को ज़्यादा मोटा नहीं करना है, इस तरह पतला काटना है। अभी इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, आधा चम्मच करीब, और हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसे मिक्स करके हम 5 मिनट तक इस तरह छोड़ देंगे ताकि पत्ता गोभी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और थोड़ा सा इसमें से मॉइस्चर भी आ जाएगा। अभी इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 मिनट हो चुका है, पत्ता गोभी जो है थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो गया है और इसमें से थोड़ा सा मॉइस्चर भी आ गया है। अभी इसको हम इसका जो पानी है अच्छे से निचोड़ के निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा टाइम नहीं रखना है, सिर्फ 5 मिनट रखेंगे, नहीं तो इसका जो पत्ता गोभी का क्रिस्पीनेस है ना वो चले जाएगा। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है इसको नमक डाल के। देखिए, पानी को अलग कर लेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो ये पानी बचा हुआ है इसको फेंक देंगे। सेम बोल में हम पत्ता गोभी को डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा हम मसाला ऐड करेंगे। आधा चम्मच करीब जीरा पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। 1 चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और पतला पतला कटा हुआ प्याज डाल देते हैं 1 कटोरी। 2 चम्मच हम हरी मिर्ची डाल देंगे बारीक कटा हुआ, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे थोड़ा सा। अभी इसमें बेसन ऐड करेंगे, 5 चम्मच करीब हम बड़ा चम्मच में बेसन डाल देंगे। बाद में हमको लगेगा तो बेसन और भी डाल सकते हैं। 4 चम्मच करीब हम कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो इसके जगह आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं। इसको डालने से इसमें थोड़ा सा बाइंडिंग आ जाएगा और थोड़ा सा क्रिस्पीनेस भी आ जाएगा। 4 चम्मच करीब हम कॉर्नफ्लोर डाल दिए हैं। अभी इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से ही। इसमें थोड़ा सा पानी नहीं ऐड करना है, थोड़ा सा भी पानी नहीं डालना है इसमें। प्याज और पत्ता गोभी में ऑलरेडी मॉइस्चर होता है तो इसमें से ये बंध जाएगा। ये थोड़ा सा बेसन हमने डाल दिए हैं, ये बिखरा हुआ लग रहा था मुझे। 1 चम्मच करीब बेसन डाल दिए हैं और ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी बन गया है। मिश्रण हमारा तैयार हो गया है पत्ता गोभी का। अभी हाथों से थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे और इसमें से थोड़ा सा डो ले लेंगे, मिश्रण ले लेंगे इसमें से थोड़ा सा, और इस तरह बॉल आकार बना लेंगे और इसको चपटा कर लेंगे। जैसे टिकिया बनाते हैं वैसे ही हम चपटा कर लेंगे। ज़्यादा इसको बड़ा या छोटा नहीं करना है, मीडियम साइज़ का मैं बना रही हूँ। ज़्यादा अगर मोटा रखेंगे ना तो ये अंदर से सीकेगा नहीं, फ्राई करते समय कच्चा रह जाएगा। तो इस हिसाब से अब इस तरह बॉल्स बनाएंगे और इस तरह चपटा करेंगे। देखिए, ऐसे ही सारे पेटीज को हम बना के रेडी कर लेंगे, फिर इसको हम फ्राई करेंगे। गैस के ऊपर पैन में मैंने ऑयल को गरम कर लिया था। ऑयल अच्छे से गरम होने के बाद गैस के फ्लेम को मीडियम में रखेंगे और पेटीज को फ्राई करेंगे। मैं यहाँ पर सेलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं इसको। इस तरह कोई भी चौड़ा पैन ले लेंगे या फिर कढ़ाई, तो इसमें ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा। बहुत सारा एक साथ फ्राई हो जाता है। मैं यहाँ पर कम ही डाली हूँ जितना बनाई थी, नहीं तो बहुत सारा इसमें फ्राई हो जाता है। 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इसको पलट देंगे। एक तरफ का कलर चेंज हो गया है, पलटते पलटते गोल्डन ब्राउन कलर होते तक इसको फ्राई करेंगे।
ये देखिए बहुत अच्छा कलर आ चुका है हमारा पत्ता गोभी का नाश्ता में। ऐसे ही सारे पत्ता गोभी को नाश्ता को हम फ्राई कर लेंगे और कोई भी जाली के साथ ऐसे हम इसको निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। बहुत अच्छा टेस्टी और यमी लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये लीजिए हमारा गर्मा गर्म पत्ता गोभी का नाश्ता बन के रेडी है। ये दिखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है। कम सामान में और कम समय में परफेक्ट नाश्ता बन के रेडी हो गया है। और ये नाश्ते को आप ऐसे भी खा सकते हैं या फिर कोई भी चटनी या सॉस के साथ भी खा सकते हैं। ऐसे भी बहुत मज़ेदार लगता है, टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स इस तरह का नाश्ता आप घर पर बनाइए, खाइए और कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही बहुत सारा न्यू रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स बाय बाय एंड टेक केयर।